नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 9.2 और 9.2 का आपका प्रश्न है आठवां प्रश्न है बेटा कि एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं -2 और 3 और बिंदु B के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं जो कि बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य एक बिंदु क्या है P है। यह बिंदु P इस रेखाखंड को 4:7 में विभाजित करता है और अपने को ज्ञात क्या करना है बेटा बिंदु B के निर्देशांक। अब देखिएगा यहाँ आपका x1 कितना है बेटा -2, y1 कितना है 3 और x2 है, ये अपने को ज्ञात करना है और y2 भी कितना है बेटा y2, ये लिख लेना साथ में ताकि आपकी गलती ना हो। उसके बाद देखिएगा m1 बेटा आपका 4 है और m2 आपका 7 है। अब सुनिएगा ये x और y है कि नहीं, x आपका 3 दिया गया है और y आपका 5 दिया गया है। देखिएगा ए बिंदु A और बिंदु है B और A और B को मिलाने से हमें एक रेखाखंड AB प्राप्त होता है जिसके यहाँ एक बिंदु P स्थित है और यह बिंदु P इस रेखाखंड AB को 4:7 में विभाजित करता है। बेटा अपने को बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब आप देखिएगा बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब सबसे पहले मैं लेता हूँ x। x किसके इक्वल होता है m1x2 + m2x1 / m1 + m2। x किसके बराबर होता है m1x2 + m2x1 / m1 + m2। अब इनकी वैल्यू रखता हूँ मैं, x की वैल्यू देखिएगा कितनी है 3 बराबर m1 आपका कितना है बेटा 4 इंटू में x2 अपने को फाइंड करना है और m2 देखिएगा बेटा 7 है इंटू में x1 देखिएगा कितना है बेटा -2 और बटे में आपका आ गया 4 + 7। अब यहाँ आपका आता है 3 = 4x2 + −-7 × 14, 7 और 4 कितना हो गया 11। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखिएगा बेटा वज्रगुणा करेंगे तो यहाँ देखिएगा 4x2 − 14 = 11 × 3 = 33, तो आपका आ गया बेटा 4x2 = 33 + 14 और 4x2 = 4 × 3 = 47 और x2 = 47/4। बेटा यहाँ अपनी x2 की तो वैल्यू निकल गई, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ x किसके इक्वल होता है आप जानते हो अंत विभाजन का फार्मूला m1x2 + m2x1 / m1 + m2 और अपने को यहाँ वैल्यू x की दी गई है m1 है m2 है x2 है और x1 है m1 + m2। जस्ट मैंने इस फार्मूले में इनका मान रखा, उसको सॉल्व किया तो आपका x2 की वैल्यू आ गई भाई 47/4। अब y2 की वैल्यू निकालनी है तो y किसके इक्वल होता है m1y2 + m2y1 / m1 + m2। अब सुनिएगा बेटा m1 की वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ, पहले तो y की वैल्यू रखता हूँ। y की वैल्यू कितनी है बेटा 5 बराबर है m1 देखिएगा कितना है 4 m1 आपका 4 है इंटू में y2 देखिएगा बेटा आपका y2 दिया गया है प्लस में m2 कितना है 7 और y1 देखिएगा बेटा यहाँ कितना है 3 यहाँ है 3 बाई में m1 + m2 4 + 7 तो आपका यहाँ आ गया 5 = 4y2 + 7 = 21/7 × 4 = 11। वज्रगुणा करने पर अब वज्रगुणा करूँगा मैं यहाँ तो बटे में 1 मान लूँ, क्योंकि किसी संख्या को 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बेटा देखिएगा इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया
चार वाई टू प्लस में 21 बराबर में 11 पंजो 55 और चार वाई टू बराबर में 55 माइनस का 21, चार वाई टू बराबर में 5 में से एक गया 4 34 और वाई टू बराबर में आ गया 34 बटे में 4, 17 दूनी 34, 2 दूनी 4, तो बेटा आपका आ गया 17 बटे में 2। मतलब कि बिंदु बी के निर्देशांक अपने को क्या क्या मिल गए, 47 बटे में 4 और 17 बटे में 2, और अपने को बेटा यही क्या करना था, फाइंड करना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आपको बेटा एक बिंदु ए दिया गया है जिसके निर्देशांक -2 और 3 है, बिंदु बी के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, जहाँ बिंदु ए और बी को मिलाने पर हमें एक रेखाखंड ए बी प्राप्त होता है, और इसके मध्य यहाँ एक बिंदु पी स्थित है जिसके निर्देशांक 3 और 5 है, और यह बिंदु पी इस रेखाखंड ए बी को 4:7 में विभाजित करता है। उसके बाद आप देखिएगा बेटा यहाँ x1, y1, x2, y2, x और y, m1 और m2 आपके सामने है कि नहीं। अपने को तो x2 और y2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले x का फार्मूला बोलिएगा, x किसके इक्वल होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब बेटा देखिएगा यहाँ m1 की वैल्यू 4 है, x2 का x2 है, m2 की वैल्यू 7 है, x1 का -2 है, बटे में 4 प्लस में 7। अब यहाँ आप देखिएगा 4 को x2 से गुणा किया, 4x2 आ गया, 7 × 14 और प्लस इंटू माइनस बेटा क्या होता है, माइनस होता है, 4 + 7 तो आपका आ गया 3/1 बराबर है 4x2 − 14/11। फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वज्र गुणा किया, तो एक से किसी संख्या को गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ 11 + 3 कितना हो गया, 33 हो गया। अब यहाँ 14 इधर माइनस का, इधर आते ही किसका हो गया भाई, प्लस का हो गया, तो 4x2 बराबर में कितना आ गया बेटा, 33 और 14 कितने हो गया, 47। 4 इधर गुणा में है, इधर आते ही किस में आ गया बेटा, भाग में, तो x2 की वैल्यू आ गई आपकी 47/4। अब अपने को y2 की भी वैल्यू निकालनी है, तो सीधी सी बात है y का फार्मूला है बेटा m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। अब यहाँ आप देखिएगा y की वैल्यू 5 है बराबर 4 + y2 + 7 × 3/4 + 7, तो 5/1 बराबर 4 y2 + 7 = 21/11। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आ गया। अब 4 y2 + 55 − 21, 4 y2 = कितना आ गया, 34 और y2 = कितना आ गया बेटा, 17/2, क्योंकि 17 × 34, 2 × 4, तो y2 की वैल्यू आपकी आ गई 17/2। तो बिंदु B के निर्देशांक आपके क्या आ गए, 47/4 और 17/2। अपने को यही ज्ञात करना था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिएगा बेटा पिछला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न संख्या देखिएगा 9। नौवां प्रश्न आपका ये दिया गया है कि आपको एक बिंदु A दिए गए हैं और एक बिंदु क्या दिया गया है, B। अब बिंदु A और B दिया गया है, A और B को मिलाने से हमें एक रेखाखंड AB प्राप्त होगा, जहां बिंदु A के निर्देशांक हैं 11 और 9 और बिंदु B के निर्देशांक हैं 1 और 2। अब देखिएगा प्रश्न में आपसे पूछ रखा है कि इसके मध्य दो बिंदु है, 1 और 1, 2, पी और क्यू। इन P और Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये बोल रहा है कि इनको मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। अब आप मेरे को बताइएगा बेटा कि रेखाखंड को समत्रिभाजित कितने बिंदु करेंगे। अब देखो A से लेकर B को समत्रिभाजित मतलब 3 समान भागों में विभाजित कर रहे हैं, कितने बिंदु करेंगे, 1 और 1, 2 बिंदु करेंगे ना। तो अपने को बिंदु P और बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो बिंदु P के निर्देशांक भी मैंने XY माने और Q के निर्देशांक भी बेटा क्या माना, X और Y। अपने को बिंदु P और बिंदु Q दोनों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जहाँ तक कि बिंदु P और Q है इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है, मतलब कि बिंदु P व Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित
करते हैं, अर्थात AP बराबर है PQ बराबर है QB बराबर है, अगर ये मैंने x लिया तो ये भी x होगा और ये भी कितना होगा x होगा, अर्थात मतलब कि बेटा अगर ये एक है तो ये भी एक होगा और ये भी क्या होगा एक है। अपन तो ये मान के चलेंगे ना कि इनको एक एक के रेशियो में ये डिवाइड करते हैं बिंदु P और Q। सम त्रिभाजित का मतलब तीन भागों में विभाजित कर रहा है, एक दो तीन, तीन भाग हो गया, तो यहाँ एक भाग और एक भाग, अर्थात AP बराबर क्या होगा PQ बराबर है QB, क्योंकि बिंदु P और Q है इस रेखाखंड को सम त्रिभाजित कर रहे हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक निकालूंगा तो एक बार मैं डायग्राम फिर से बनाता हूँ। ये रेखाखंड AB है, बिंदु A के निर्देशांक आपके 11 और 9 है और बिंदु B के निर्देशांक 1 और 2 है। जहाँ बिंदु P है ना, P यहाँ है, P के निर्देशांक x और y है। अब बेटा देखो थोड़ा ध्यान से, बिंदु P के इधर कितना भाग है, एक भाग, और इधर वाला भाग कितना है दो, तो मतलब इधर तो एक है और इधर कितना आ गया दो, अर्थात बिंदु P है इस रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करेगा। तो जस्ट सीधी सी बात है, x1 आपका आ गया 11, y1 आ गया आपका 9, x2 आ गया आपका 1, y2 आ गया 2, m1 आ गया आपका 1 और m2 भी आपका कितना आ गया 2। तो x किसके इक्वल होता है, देखो x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, m1 और m2, x किसके इक्वल होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस में m2। अब मान रख देता हूँ बेटा मैं यहाँ x इज इक्वल टू m1 की मान देखिएगा 1, x2 1 है, m2 2 है, x1 11 है, y में 1 प्लस 2, 1 एकम 1, 11 दूनी 22 बटे 3, 22 और 1 कितना हो गया 23 बटे में 3, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 23 बटे में 3। और दूसरा y की वैल्यू देखिएगा, y की वैल्यू निकालेंगे, फार्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब m1 की वैल्यू 1 है, y2 देखिए बेटा 2 है, m2 आपका कितना है 2, m2 आपका 2 है और y1 देखिए बेटा 9 है बटे में 1 प्लस 2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई में m1 प्लस m2, 2 एकम 2 प्लस 9 दूनी 18 बटे में 3, 18 और 2 कितना हो गया बेटा 20 बटे में 3, तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा 20 बटे 3। अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ लिख देता हूँ, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, x का तो 23 बटे में 3 है और यहाँ आपका आ गया 20 बटे में 3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर लेते हैं बेटा कि यहाँ बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो आपका x1, y1, x2 और y2, m1 और m2, ये लिखा मैंने, x बराबर है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, तो x बराबर है m1 आपका कितना है बेटा 1 इंटू में x2 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 2 इंटू में x1 देखिए बेटा कितना है 11। इसको मैंने सोल्व किया तो आ गया 23 बटे में 3। इसी प्रकार देखिएगा y किसके इक्वल है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस में m2। अब देखिएगा m1 आपका 1 है, y2 देखिए बेटा 2 है प्लस m2 आपका 2 है इंटू में y1 कितना है बेटा 9 है बाई में 1 प्लस 2, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना हो गया 20, 20 बटे में 3। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बिंदु P के निर्देशांक आपके x और y के निकल गए कि नहीं, 23 बटे में 3 और 20 बटे में 3। उसके बाद आप देखिएगा बिंदु Q के निर्देशांक निकाल रहा हूँ मैं, Q के निर्देशांक, Q
क्यू के निर्देशांक निकालूंगा, ये ए है, ये वाला बी है, ए के निर्देशांक है बेटा 11 और 9 और बी के निर्देशांक आपके हैं 1 और 2, अलग लिख लेना ताकि गलती ना हो, ये ऐसे मत करना यहाँ M1 M2 अलग अलग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दूसरा डायग्राम भी बना लियो, अगर आएगा तो ये प्रश्न 6 नंबर का आएगा, ये भी आप ध्यान देना। और यहाँ है बिंदु Q, X और Y, अब जल्दी से बताइएगा बिंदु Q का, इधर तो एक पार्ट है देखो और इधर कितने पार्ट है, 2, तो बिंदु Q है इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, 2:1 में विभाजित करेगा। अब देखिएगा बेटा यहाँ एक रेखाखंड AB है, इसके यहाँ इधर एक बिंदु क्या है, Q है, यह बिंदु Q इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, X 2:1 में। अपने को मान किसका ज्ञात करना है बेटा, बिंदु Q के निर्देशांक अर्थात X और Y की वैल्यू निकालनी है, तो सीधी सी बात है बेटा आपका X1 आ गया 11, Y1 आ गया 9, X2 आ गया 1, Y2 आ गया 2, M1 आ गया 2 और M2 आ गया 1। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, X1, Y1, X2, Y2, M1 और M2। अब X का फार्मूला किसके इक्वल होता है, M1 X2 प्लस M2 X1 बाई M1 प्लस M2। वैल्यू रखी मैंने, M1 कितना है यहाँ 2 × X2 है 1 और M2 कितना है 1, X1 देखिए बेटा कितना है 11 और बटे में 2 + 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने यहाँ सिर्फ वैल्यू रखी है अपनी, क्या आ गई बेटा M1 X2 M2 X1 2 × 1 + 1 × 11 और बटे में 2 + 1, अर्थात इसको सोल्व करेंगे तो 2 × 2 11 × 11 / 3 11 × 2 13 / 3 X का मान निकल गया 13/3। इसी प्रकार Y का फार्मूला आपका होगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाई M1 प्लस M2। अब इनकी मैं वैल्यू रखता हूँ बेटा, M1 देखो कितना है जल्दी से 2 × में Y2 भी आपका 2 है प्लस M2 1 है, Y1 9 है बटे में 2 + 1 आ गया। अब सुनो 2 × 2 = 4 प्लस में 9 × 9 / 3 9 और 4 कितना आ गया 13 × 3। तो बिंदु Q के निर्देशांक हैं, बिंदु Q के निर्देशांक हैं वो देखिएगा बेटा कितना है Q के निर्देशांक। अब यहाँ लिख देता हूँ X का तो 13/3 और Y का भी कितना है 13/3। बोलिएगा समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करते हैं। एक रेखाखंड क्या है बेटा AB, रेखाखंड AB है, इस रेखाखंड AB के मध्य 2 बिंदु स्थित है जो कि इस रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करता है अर्थात समान 3 भागों में विभाजित करता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, तो बेटा ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर बिंदु P के निर्देशांक निकाले तो ये M1 1 होगा और M2 कितना होगा 2, और अगर बिंदु Q के निर्देशांक निकालें तो ये 2 होगा और ये कितना होगा 1 होगा। इस प्रकार बिंदु P और Q के निर्देशांक निकाल लिए हैं। अगर बेटा ये प्रश्न आता है तो 6 नंबर का आएगा, आप अच्छे से करना इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगला प्रश्न स्टार्ट करें। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 10। आपका 10वां प्रश्न है, आपका 10वां प्रश्न है बेटा, आपको 2 बिंदु दिए गए हैं, एक ए बिंदु दिया गया है -4 और 0 और एक बिंदु बी दिया गया है और बिंदु बी के निर्देशांक हैं 0 और 6। इसको मिलाने से हमें एक रेखाखंड AB प्राप्त होता है, ए के निर्देशांक -4 0, बी के निर्देशांक हैं 0 और 6 और इसको मिलाने वाले बिंदु समान 4 भागों में विभाजित करते हैं। अब बेटा 3 नहीं है, कितने भाग हैं भाई, 4 भाग हैं, अर्थात 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो बिंदु कितने होंगे 3, तो एक बिंदु P हो गया, एक बिंदु Q हो गया, एक बिंदु R हो गया। तो बिंदु
पी कोमा क्यू कोमा आर रेखाखंड ए बी को समान चार भागों में विभाजित चार भागों में विभाजित करते हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ बात करूँ ए पी बराबर है पी क्यू बराबर है क्यू आर बराबर है आर बी, ए से लेकर पी बराबर है पी क्यू बराबर है क्यू आर बराबर है आर बी। ठीक है बेटा, अब अपने को सीधी सी बात है ये चारों इक्वल है तो मतलब एक अनुपात एक अनुपात एक अनुपात एक में डिवाइड करेगा। मतलब जितनी दूरी AP की है उतनी दूरी PQ की, उतनी दूरी QR की, उतनी दूरी किसकी है बेटा RB की है। ये वाला प्रश्न एक छः नंबर का आ चुका है। अब देखिएगा अपने को बिंदु PQR के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। किसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं बेटा PQR के। अब देखिएगा सबसे पहले मैं बिंदु P के निर्देशांक लेता हूँ। बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो पहले मैं ये रेखाखंड बना लेता हूँ। ये वाला A है, ये वाला B है। अब सुनिएगा माइनस चार और जीरो, और यहाँ है जीरो और छः, और यहाँ है बिंदु P, और P के निर्देशांक हैं x और y। देखिएगा बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे तो इधर देखो कितना पार्ट है बेटा एक, और इधर कितना है तीन। सेम डिटो पिछला क्वेश्चन है, वहाँ तीन भागों में था, यहाँ कितने भागों में है चार भागों में। तो यहाँ आ गया एक और ये कितना आ गया बेटा तीन। तो मान निकालेंगे तो x1 कितना आ गया माइनस चार, y1 कितना आ गया जीरो, x2 कितना आ गया जीरो, और y2 कितना आ गया छः, m1 कितना आ गया वन, और m2 कितना आ गया तीन। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। x1, y1, x2, y2, m1 और m2। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब बेटा आप जानते हो बस यहाँ तक समझा दिया। फार्मूला को x के निकालोगे तो फार्मूला कौन सा होगा m1 x2 प्लस, आपके लिए ये प्रश्न आगे x1 बाई m1 प्लस m2। x का मान तो इस फार्मूले से निकालोगे और y का मान निकालोगे तो फार्मूला कौन सा होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस में m2। वैल्यू आप खुद निकालना, मैंने यहाँ आपको लिख दिया है x1 y1 x2 y2 m1 और m2। अब निकालेंगे बिंदु Q के निर्देशांक, P के निर्देशांक निकाल दोगे ना, आपके पास सब वैल्यू है फार्मूले में रखना है। फिर बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु क्यू के निर्देशांक, बिंदु क्यू के निर्देशांक निकालेंगे तो सीधी सी बात है बेटा ये आ गया ए, ये आ गया बी। ए के निर्देशांक हैं माइनस चार और जीरो, बी के निर्देशांक हैं जीरो और छः। अब बेटा देखो बिंदु क्यू बीच में एकदम जस्ट, एक्स वाई इसके भी मान लेता हूँ, बिंदु क्यू बीच में है मतलब इधर भी दो है और इधर भी देखो कि इतनी दूरी और इतनी दूरी बराबर है कि नहीं, इधर भी बेटा दो और इधर भी कितना है दो। तो सीधी सी बात है किस अनुपात में डिवाइड करता है दो अनुपात दो में। सीधी सी बात है बेटा एक्स वन आपका माइनस चार, वाई वन जीरो, एक्स टू जीरो, और वाई टू कितना है छः, एम वन भी आपका दो है और एम टू भी कितना है दो। बोलो x एक्सिस और y एक्सिस वाला फार्मूला लगा के कर सकते हो कि नहीं। सिर्फ इन पे अनुपात ध्यान रखना, ये वाला प्रश्न बेटा आ चुका है छः नंबर का, ये भी आप ध्यान देना। उसके बाद देखना तीसरे निकालना है r के निर्देशांक, तीसरा निकालेंगे बिंदु r के निर्देशांक। ये लीजिए जी बिंदु a के निर्देशांक है माइनस चार और जीरो, बिंदु r के निर्देशांक, तीनों अलग अलग बनाना है इसे। बिंदु r के निर्देशांक डायग्राम भी ये रेखाखंड अलग अलग बनाना इनका, और बिंदु ए बिंदु बी के निर्देशांक हैं जीरो और छः। यहाँ है बिंदु आर, इसके भी एक्स और वाई मान लिया। आप देखो बेटा आर का इधर तो तीन पार्ट है तो ये तीन हो गया, इधर कितना हो गया एक, क्योंकि चार भागों में विभाजित हो रहा है ना, इसलिए इधर देखो इधर पी में एक और तीन
क्यू में दो और दो और आर में तीन और एक। अब देखिएगा एक्स वन कितना हो गया माइनस चार, वाई वन कितना हो गया जीरो, एक्स टू कितना हो गया जीरो और वाई टू कितना हो गया छः और एम वन कितना हो गया तीन और एम टू कितना हो गया एक। बिंदु फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला दोनों फार्मूले लगाओगे एक्स और वाई का आपका निर्देशांक निकल जाएगा। तो इस प्रकार आपने पहले तो बिंदु P के निर्देशांक निकाले, फिर बिंदु कौन से के निकाले बेटा Q के, और फिर बिंदु किसके निकाले R के निर्देशांक निकाले। मैंने प्रश्न आपको अच्छे से समझा दिया है, आप करना और P, Q, R इन तीनों के निर्देशांक आप कमेंट बॉक्स में भी डालना कि इसके क्या आए हैं, मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे निकाल रहे हैं। अच्छे से निकालना बेटा पी क्यू आर के निर्देशांक, और निकालने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना कि सर हमारा आंसर ये आया है, मैं देखूँगा भाई। ठीक है, अब देखिए इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, थोड़ा समझा दिया है मैंने, जस्ट मान भी बता दिया है, आपको वैल्यू पुट रखनी है, दो इसकी आएगी दो इसकी आएगी दो, छः मान हो गए ना, क्योंकि P का और Q का और R का प्रत्येक का दो दो मान आएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना कि आंसर क्या आया है, और आपका ये प्रश्न बेटा छः नंबर का भी आ चुका है और नेक्स्ट कल करेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखूँगा मैं आपके आंसर, ठीक है बेटा, और नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक यू, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।